नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 29 अगस्त 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारे पास में जो इश्यूज है उनमें पहला इशू रहेगा चाइना इंडिया रिलेशंस को लेकर के अभी क्या बातें चल रही हैं। ठीक है, श्रीलंका में जो चाइनीज सर्विलियन शिप जो आया था उसको लेकर के जो बातचीत हुई है वो। दूसरा हम देखेंगे कि इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट है वो एक्सपेक्टेड है कि भाई 7% से ज़्यादा रह जाएगी, पर कुछ इश्यूज हैं जो हैंडल नहीं होते हैं तो फिर बाद में जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है वो शायद मुश्किल से अचीव हो। जानेंगे क्या कारण है। और तीसरा मुद्दा हम देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड, झारखंड के चीफ मिनिस्टर जो हैं उनसे संबंधित ये मुद्दा है। ठीक है, तो इस तरीके से तीन इश्यूज हैं, इनको देखेंगे और एक दो आर्टिकल्स हो रहे हैं उन पर नज़र डालेंगे। फर्स्ट आर्टिकल है रॉकिंग द शिप। आपको पता है अभी चाइना का जो शिप है सर्विलियन शिप, ठीक है, वो श्रीलंका में आने वाला था। इंडिया ने ऑब्जेक्ट किया, फिर श्रीलंकन गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम पोस्टपोन कर देंगे आने को, फिर अल्टीमेटली आई गया। ठीक है, तो ऐसे में श्रीलंका में ही चाइनीज़ एम्बेसडर और इंडिया की तरफ से जो हाई कमीशन है कोलंबो में उनके बीच में बातचीत हुई। ठीक है, वर्ड्स का एक्सचेंज हुआ, वॉर ऑफ वर्ड हुआ। ठीक है, शब्दों के एक दूसरे के ऊपर हथियार फेंके गए, कुल मिलाकर के बात ये थी। तो ये अपने आप में एक कहता है ना कि चाइना इंडिया रिलेशन कहाँ पे खड़ा है वो चीज़ क्लियर हो रही है, और तीसरे कंट्री में जाकर के इस तरीके की सिचुएशन हम देख रहे हैं। अब देखो यहाँ पर चाइना और इंडिया के बीच में तो क्या चल रहा है वो तो अपनी जगह पे है, पर श्रीलंका जो कि ऑलरेडी एक तो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा क्राइसिस में है, दूसरा चाइना के डेट के अंदर भी है, तीसरा इंडिया सपोर्ट भी कर रहा है तो इंडिया के लिए भी बहुत कुछ सोचने को मिलता है। कुल मिलाकर के श्रीलंका बहुत ज़्यादा मुश्किलों में है, ये हम एक चीज़ क्लियर कर सकते हैं। साथ में अगर देखा जाए तो चाइनीज़ एनवॉय जो है, उस चाइनीज़ एनवॉय की तरफ से जो स्टेटमेंट दिए गए उसने की तरफ से क्या बोला गया कि चाइना इंडिया टेंशन जो है वो वाइडर जियोपॉलिटिकल राइवलरी का पार्ट है। जैसे कि यूएस और चाइना, इन दोनों के बीच में इंडो पैसिफिक रीजन में बोला टेंशन चल रही है, बोला उसी का पार्ट है। ओके, मतलब इंडिया के इश्यूज को उसका पार्ट बना करके चाइना अटेंशन नहीं देना चाहता। दूसरी तरफ दिल्ली की अप्रोच सीधी सी आती है कि भैया बात ऐसी है कि बीजिंग और यूएस की क्या रिलेशनशिप चल रही है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हम हमारा अलग एस्पेक्ट है उसमें। आज जो हम बात कर रहे हैं इंडियन ओशन में या हिमालयास की अगर बात करते हैं तो वो हमारा बायलेटरली इशू है, उसको हम बायलेटरली सॉर्ट आउट करेंगे, इसमें किसी तीसरे कंट्री का कोई मतलब नहीं है। हमारे जो क्वाड मेंबर क्वाड पार्टनर्स हैं उनके साथ में इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं है, हम हमारा खुद का जो मुद्दा है वो आपके साथ बैठ करके सॉर्ट आउट करेंगे किसी तीसरी पार्टी की बिना किसी इंटरवेंशन के, राइट। तो इंडिया ने बॉर्डर इशू को चाइना के द्वारा जो कोशिशें की जा रही है कि वर्ल्ड की सुपर पावर रेसिस में उसको इंक्लूड करके और फिर बाद में उसको अनसेटल्ड रखा जाए या फिर बड़े मुद्दों में डाल करके इंडिया को इग्नोर किया जाए, तो इंडिया इस चीज़ को बार बार नकार रहा है और कोशिश पूरी कर रहा है अपनी तरफ से। कोशिश का मतलब है भी अपनी तरफ से इंडिया का स्टैंड कि भाई हमारा ये बायलेटरल मुद्दा है, कोई मल्टीलेटरल इशू नहीं है ये। ओके, तो सीधी सी बात है कि इंडिया के स्टैंड की तरफ से सीधी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि इस तरीके के बॉर्डर डिस्प्यूट्स को इनको बायलेटरली सॉर्ट आउट करना होगा। देखो चाइना इंडिया के बीच में प्रॉब्लम सिर्फ एक है, दैट इज़ बॉर्डर रिलेटेड इश्यूज़। बाकी ज़्यादातर मुद्दों पे दोनों एक दूसरे के साथ में मिलते हैं एक ही प्लेटफॉर्म पर पॉइंट जहाँ पर आ जाता है बॉर्डर इशू का, वहाँ पर चाइना इंडिया एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो वो सॉर्ट आउट करेंगे दोनों साथ बैठ करके। इसके अलावा देखा जाए तो अभी हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी का इंटरव्यू था, उसमें भी उन्होंने कहा कि चाइना इंडिया रिलेशन बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज से जा रहे हैं। जबकि चाइना क्या शो करना चाहता है कि नहीं ऐसा कोई सीरियस वाला मुद्दा ही नहीं है, जबकि हमें पता है ना, हम जानते हैं चाइना पर विश्वास थोड़े ना कर सकते हैं, है कि नहीं। तो इस तरीके की सिचुएशन चल रही है। अब देखो बात यह है कि जो ये अपनी तरफ से स्टेटमेंट चाइनीज एनवॉय ने दिए कि श्रीलंका में हमारा जो शिप था वो तो किसी वॉर पर्पस के लिए नहीं आया था, किसी मिलिट्री पर्पस के लिए नहीं आया था, ठीक है चलिए हम मान लेते हैं आपकी बात, तो फिर यूएसए के हाउस स्पीकर जो थे, रिप्रेजेंटेटिव हाउस के स्पीकर नैन्सी पेलोसी जो आई थी ताइवान के विजिट पे, तो वो कौन से युद्ध की लड़ाई युद्ध को भड़काने के लिए आई थी, आप इतना एग्रेशन में क्यों आए। सीधी सी बात है कि
आपका युआन वेंग हम्बन तोता पोर्ट पे आता है तो हमें कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, आप चाहते हो चलो ठीक है हम एक बार कंसिडर करते हैं। फिर आप क्यों उछले थे जी जब ताइवान में नैन्सी पेलोसी आई थी, वो भी तो केवल विजिट पे आई थी, वो कौन से हथियार लेकर के आई थी अपने साथ में? तो ये पॉइंट एक रखा, ये पॉइंट आ जाता है। चाइना की तरफ से क्या असर्शन आता है, बोला श्रीलंका जो है वो उसकी सॉवरेनिटी इंडिपेंडेंस एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी मेंटेन रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और एक तरीके से श्रीलंका जो है वो एग्रेशन फेस कर रहा है अपने नॉर्दर्न नेबर से मतलब इंडिया से। ये बातें कही किसने, चाइनीज एनवॉय ने। जबकि इंडियन कमीशन की तरफ से क्या स्टेटमेंट दिए गए कि चाइनीज एनवॉय की तरफ से जो स्टेटमेंट्स हैं, पहली चीज तो उन्होंने डिप्लोमेटिक एटिकेट्स तक खो दिए हैं, उनको बात तक करने का तरीका नहीं आता कि किस तरीके से इंटरनेशनल रिलेशंस में बात की जाती है। दूसरी चीज़ ये कि आप अपने पर्सनल ट्रेट को क्यों नेशनल एटीट्यूड के तौर पे इम्पोज कर रहे हो, आप खुद की जो ये चीज़ें हैं वो देश का नाम लेकर के क्यों लोगों पे थोप रहे हो। साथ में ये कि चाइनीज़ और ये भी कहा कि चाइनीज़ एम्बेसडर जो है वो इस शिप के विजिट को जियोपॉलिटिकल कलर देना चाहते हैं, जबकि ये इशू जो है वो सर्विलियंस से रिलेटेड है और वो हमारी सिक्योरिटी से कंसर्न था, इसलिए हमने हमारी बात हाईलाइट की। इसके अलावा मिलिटराइजेशन का जो पॉइंट था ये पहली बार अपनी तरफ से हाईलाइट किया गया है। कारण क्या है, आपको पता है कि पेलोसी की जो विजिट थी, नैन्सी पेलोसी की विजिट कहाँ पे, ताइवान में, तो चाइना का रिस्पॉन्स क्या था कि वहां पर जिस तरीके से एग्रेशन दिखाया, चारों तरफ से ताइवान को घेर लिया, तो उस चीज को देते हुए सीधा ये कहा गया कि चाइना जो है इश्यूज को बहुत ज्यादा मिलिटराइज करता चला जा रहा है एरियाज को। और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो युआन वेंग की विजिट है हम्बन तोता पे, इस पे भी पूरा डाउट है। और 750 किलोमीटर तक की रेंज को अच्छे से कवर करने वाला ये शिप है आपका, तो हम कैसे समझ सकते हैं? आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जब ताइवान क्राइसिस अभी स्टार्ट हुआ था उस टाइम पर श्रीलंका ने चाइना को पूरा सपोर्ट किया है, वन चाइना पॉलिसी पर एग्रीमेंट दिया है, पर सच बात यह है कि अभी तक भी बीजिंग की तरफ से जो एक सपोर्ट मिलना चाहिए श्रीलंका को, उसके लिए ना तो कोई डिस्क्लोजर है ना कोई सपोर्ट मिला है कि एक इकोनॉमी जो बहुत ज़्यादा क्राइसिस में जा रही है उसको कैसे सपोर्ट किया जाए। उल्टा उसको घसीट करके एक जो एक कहते ना कि जियोपॉलिटिकल इशू जो है बहुत ही हाई लेवल का, उसमें ले जाने की कोशिश कर रहा है। भाई ऑलरेडी ये तो बर्बाद देश है, इसको क्यों लेके जा रहे हो आप दूसरे इश्यूज में, है कि नहीं? मैटर को सॉर्ट आउट करना है तरीके से करो, ठीक है। इसके अलावा अभी तक आप अगर श्रीलंका के इतने ही हमदर्दी हो तो भाई उनको आप कैसे रिस्ट्रक्चर करोगे, उनके ऊपर जो आपने कर्जा थोप रखा है उसको कैसे रिस्ट्रक्चर करोगे? दूसरा, क्या आपने कोलंबो में एक प्रॉपर मैनर में बातचीत करने की कोशिश की? नहीं, केवल अपनी दादागिरी चला रहा है। तो कुल मिलाकर के बात क्या आ रही है कि श्रीलंका के लोग और श्रीलंका की सरकार, इनकी अगर देखिए तो यहाँ पर इनको सपोर्ट की ज़रूरत है, ना कि इनको घसीट करके किसी जियोपॉलिटिकल राइवलरी में ले जा करके डाल दो आप, ठीक है। तो यहाँ पर सीधी सीधी ये पॉइंट्स आती हैं। तो चाइना इंडिया रिलेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिटेरियोरेट होते हुए दिख रहे हैं इस सिनेरियो से। और ज़्यादा आगे चलते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल, नॉट सो एब्यूलियंट। एब्यूलियंट का मतलब होता है एक तरीके से एग्जूबरेंट, एनर्जेटिक, ठीक है। ईशांत बख्शी जी के द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल है। देखो अगर हम बात करें तो पिछले कुछ दिनों से में अभी हम देख रहे हैं कि जीडीपी के एस्टिमेट्स आने वाले हैं, ठीक है, आने वाले दिनों में आने वाला है, ठीक है, जीडीपी का एस्टिमेट फर्स्ट क्वार्टर में कि क्या परफॉर्मेंस रही क्या नहीं। तो वैसे देखा जाए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये अनाउंस किया गया है कि फर्स्ट क्वार्टर में हम 16.2% के लगभग एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट समझ सकते हैं। ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि हाँ जी हमारा जो एनुअल ग्रोथ रेट है 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर का वो 7.2% तक रह सकता है, जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा एक्सपेक्टेड जो है इंडिया की ग्रोथ रेट 7.4% उससे थोड़ा कम है। अब राइटर हैं वो सीधा बोल रहे हैं कि बेशक इंडिया को हम बोल रहे हैं कि इंडिया वर्ल्ड की लार्ज इकोनॉमीज में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, ठीक है, पर सवाल ये है कि जो हमारे पास में डेटा अवेलेबल है, जो चीज़ें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जो रियलिटी है इकोनॉमी की, उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शन है। क्या क्या कॉन्ट्राडिक्शंस हैं वो देखते हैं। नंबर वन, लेबर मार्केट। अगर हम इनफॉर्मल सेगमेंट या फिर जो आप कह सकते हो कि एमएसएमई सेक्टर है, वो अभी भी लगातार डिस्ट्रेस में चलता चला जा रहा है। इसका सिग्नल कहाँ से मिलता है हमें,
नरेगा में जो वेजेस की रिक्वायरमेंट है या नरेगा में जो जॉब की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है अभी भी। कैसे कि प्री पैंडमिक पीरियड में जितना था उससे तो ज़्यादा अभी भी हाउस होल्ड जो हैं वो नरेगा में रिलाई कर रहे हैं। इसका मतलब उनको रोज़गार प्रॉपर नहीं मिल रहा, और नरेगा तो क्या है, एक लास्ट रिजॉर्ट का ऑप्शन रहता है। जहाँ पर लोगों को रोज़गार कहीं नहीं मिले तो नरेगा में जाकर के नौकरी करके अपनी दो टाइम मतलब एक डिग्निफाइड लाइफ वो जी पाए। तो ऐसे में ये चीज़ तो क्लियर है। दूसरी चीज़ जॉब की कमी तो होगी। अब दूसरी चीज़ जॉब है भी तो उसमें रिम्यूनरेशन मतलब जो वेजेस मिलने चाहिए टाइम पर वो प्रॉपर नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसे में एक डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर में। ठीक है, फॉर्मल सेक्टर का मतलब हो गया, आपको पता है 10 लोग या उससे ज़्यादा लोग जब मिलकर के काम करते हैं, जो कि गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, जिनको पेड लीव मिलती है, जिनकी जॉब सिक्योरिटी होती है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में नहीं मिलती है। तो फॉर्मल सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं देखो उनकी तो इनकम अच्छी खासी हो रही है, जबकि इनफॉर्मल सेक्टर में जो लोग काम करते हैं या करते थे वो बहुत ज़्यादा क्राइसिस में है। तो इसके चलते इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ भी बहुत बड़ी है। इसके अलावा जो डाइवर्जेंस है वो क्या शो कर रहा है कि जहाँ पर ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, कैपिटल ज़्यादा इन्वेस्ट हुई है, वहाँ पर तो प्रोडक्टिविटी अच्छी आ रही है, मतलब बड़ी फर्म्स तो अच्छा ग्रोथ कर रही हैं, जबकि छोटी फर्म्स फॉर एग्जांपल एमएसएमईज की हम बात करते हैं वो अभी भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही हैं। तो पहला सेगमेंट तो हो गया कि लेबर सेक्टर में बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रहे हैं। इसी चीज़ को एक्सटेंड करते हुए राइटर बोल रहे हैं कि वेजेस की जो ग्रोथ है वो भी बहुत कम है। जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं कि भाई जो महंगाई है, देखो हम वेज हाइक क्यों देते हैं या वेज हाइक की एक्सपेक्टेशन क्यों होती है कि भाई जो महंगाई है उस हिसाब से हमारी जो इनकम है वो भी बढ़ जाए तो हम महंगाई के साथ जी सके, ज़्यादा भी नहीं तो महंगाई की रेट के हिसाब से अगर वेजेस की रेट भी हाइक हो जाए तो उसमें एक इंसान आसानी से अपनी ज़िंदगी बिता सकता है। पर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है जिस तरीके से पेंडेमिक के बाद में राइज हुई है उस रिटेल इन्फ्लेशन की स्पीड से या उस रेट से वेजेस की जो हाइक है वो नहीं हुई है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि रियल परचेजिंग पावर जो है हाउस होल्ड्स की वो कम हुई है, क्योंकि जो बंदा पहले 100 रुपये कमाता था, मान लो 2019 में कोई 100 रुपये कमाता था, ठीक है, तो वो 100 रुपये में अपने घर को चला पाता था। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एकदम क्रूड एग्जाम्पल है ना, एकदम प्रैक्टिकल नहीं है। अब मान लो उसकी सैलरी हाइक होकर के इसके वेजेस हाइक होकर के 125 रुपये हो गए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हो सकता है घट भी गए हूँ, 125 तो मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ ये मान के चलो, ठीक है 125 रुपये हो गए, पर पता पड़ता है, खैर 125 मैंने ज़्यादा बोल दी, 105 मान लो चलो, ठीक है 105 रुपीज़ हो गए 100 रुपये की बजाय। तो ऐसी परिस्थितियों में अब वो बंदा जो सामान पहले 2019 में खरीदता था वही सामान खरीदने जा रहा है, पर उसको पता पड़ रहा है कि पहले 100 रुपये में जो काम चलता था वो 105 में भी नहीं चलता। अभी ये जो रियल परचेजिंग पावर है ये तो रिड्यूस हुई है ना, तो ऐसी परिस्थितियों में हमें वेजेस को भी एक बार ऑब्जर्वेंस में लेने की ज़रूरत है। फॉर्मल सेगमेंट में तो लोगों के वेजेस अच्छे हैं, जैसे कि हम आईटी सेक्टर की बात करते हैं, पर इनफॉर्मल सेक्टर में वेजेस अभी भी बहुत कम हैं। और इसके लिए राइटर ने बताया कि आप प्रिंसिपल ऑक्यूपेशन देखो रूरल एरिया में, जैसे जनरल एग्रीकल्चरल लेबर जो गाँव में खेतों में काम करते हैं लोग, कंस्ट्रक्शन एंड नॉन एग्रीकल्चरल लेबर, इनकी बात करो तो रिटेल इन्फ्लेशन से भी इनका जो वेजेस की ग्रोथ रेट है वो कम रही है। तो ये परिस्थितियाँ क्या शो करती हैं कि एक परचेजिंग पावर जो है वो कम हुई है एक परिवार की। फिर आगे बताया जा रहा है कि अगर हम हाइक्स की बात करें, ये तो ऑलरेडी बताई दिया मैंने आपको, अच्छा फिर तो एक तरीके से यहाँ पर एक लेबर ड्यूअलिज्म देखने को मिल रहा है कि नहीं। ड्यूअलिज्म का मतलब एक दोगलापन देखने को मिल रहा है। कैसे, एक साइड में तो जो हाईली स्किल्ड एजुकेटेड वर्कर्स हैं उनकी तो पेमेंट अच्छी खासी बन रही है, और दूसरी तरफ लो पेड और सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड लेबर है उनकी इनकम बहुत कम जा रही है। तो इस तरीके से लेबर मार्केट ड्यूअलिज्म बनता चला जा रहा है जो कि गैप क्रिएट करता है लॉन्ग टर्म में। फिर आगे बात आती है कि जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रॉपर नहीं है, वेजेस की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हाउस होल्ड मोबिलिटी भी क्या है वो भी एडवर्सली इम्पैक्ट हो रही है। हाउस होल्ड मोबिलिटी का मतलब क्या है कि जो इनकम लैडर होता है उसमें लोअर इनकम से अपर इनकम की तरफ जो जाने की टेंडेंसी होती है हर एक फैमिली की, कि हम पैसा कमाएं थोड़ा सा अपग्रेड हों, तो वो जो मोबिलिटी है वो बहुत हद तक रिड्यूस हुई है
ठीक है, जो लोग गरीबी से निकल करके और अपनी इनकम को बढ़ा करके अपर लेवल पे बढ़ना चाहते हैं, उनको बढ़ने में बहुत ज़्यादा जोर आ रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं हाउस होल्ड मोबिलिटी। कारण क्या है भाई, सीधी सी बात है, नौकरी में नहीं मिल रही, मिल गई तो अच्छे खासे वेतन नहीं मिल रहे, भत्ते नहीं मिल रहे हैं, वेजेस नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक्सपेंडिचर की बात करें तो एक्सपेंडिचर में हमने देखा है ऑलरेडी, रिटेल इन्फ्लेशन तो राइज हो ही रही है, तो उसकी वजह से भी लोगों के हाथों में पैसा कम बचता है। अच्छा, सवाल ये है कि इसमें भी एक इनकम इनइक्वालिटी देखने को मिल रही है। कैसे, कि जो अपर कैटेगरी वाले हैं, ठीक है, अपर क्लास या अपर इनकम हाउस होल्ड्स हैं, वो तो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, बट जो लोअर इनकम हाउस होल्ड्स हैं वो अपनी बेसिक नीड्स को भी पूरा करने में बहुत मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। जैसे कि हाई डिस्क्रिशनरी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, ये तो बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि डिस्क्रिशनरी और हाई लेवल के जो गुड्स हैं, वो कौन सर्विसेज कौन कंज्यूम करेगा? जिसके पास में पैसा है, ज़्यादा पैसे वाले करेंगे। जबकि जो आप लोअर लेवल की बात करो, ठीक है, जहाँ पर हम बेसिक नीड्स की बात करें, प्लस में कुछ एडिशनल और चीज़ें मान लो, वहाँ पर कहीं ना कहीं पैसिमिस्टिक जोन में अभी चल रहा है पूरा मार्केट। पैसिमिस्टिक जोन का मतलब कि भाई हमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच करके आगे बढ़ रहे हैं कि पता नहीं कल क्या होगा। और डेफिनेटली ये चीज़ आपने भी, हो सकता है आप मिडिल या लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो, तो आपने ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी कि भैया बचा लो, पता नहीं आगे क्या होगा। खर्च करने की बजाय हमारी टेंडेंसी क्या है, बचा लो, आगे नहीं पता नहीं क्या होगा। तो वो जो इनसिक्योरिटी है ना, वो फिर बाद में लॉन्ग टर्म में मार्केट पर भी असर डालती है। वैसे यहाँ पर डेटा बताया जा रहा है, ये डेटा हमारे लिए इतना काम का नहीं है, पर एक बार देख लो कि अभी 2021-22 की जो डेटा निकले तो उसमें ये देखा गया, देखो जो लोअर इनकम फैमिलीज होती हैं वो टू व्हीलर खरीदती हैं ज़्यादातर, या फिर लोअर मिडिल इनकम फैमिलीज होती हैं वो 5-7 लाख रुपए तक की गाड़ियाँ वो खरीदती हैं। तो इन दोनों सेगमेंट्स में जो ग्रोथ है वो बहुत कम है, ठीक है। और जबकि 10 लाख से ज़्यादा वाली जो प्रीमियम सेगमेंट की कार्स हैं, उनकी सेल में 38% की ग्रोथ है। अब आप खुद देख लो कि जो पैसे वाले हैं उन्होंने तो कितनी ज़्यादा लग्जरी लाइफ जीनी है, और जबकि दूसरी तरफ जिनके हाथ में पैसा नहीं है वो कितनी क्राइसिस का सामना कर रहे हैं, वो अपनी ज़रूरतों को पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में इनकम इनइक्वालिटी हुई कि नहीं? आ जाइए फोर्थ पॉइंट पे। देखो, जब हम इनकम इनइक्वालिटी की बात करें तो ज़्यादातर लोगों की इनकम रिड्यूस हुई है और कुछ लोगों की इनकम हाइक हुई है, ये सिनेरियो है। अब सवाल ये आता है कि जो ज़्यादातर लोग जो बड़ी बड़ी फॉर्म्स हैं वो इन्वेस्ट करती हैं, तो उनका टारगेट क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को कैप्चर किया जाए। और मार्केट में अगर एक पैसिमिस्टिक आइडिया चल रहा है, डिफेंसिव आइडिया के बेसिस पे लोग परफॉर्म कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में क्या कॉरपोरेट प्रॉफिट जो आज के टाइम पे बना हुआ है वो लगातार बनेगा? क्यों? क्योंकि वो इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे ऐसी परिस्थितियों में, जब पता है कि मार्केट में इनसिक्योरिटी अनसर्टेनिटी बहुत है, डिमांड कम है, लोग जल्दी से खरीदारी नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में वो क्यों इन्वेस्ट करेंगे? वैसे देखा जाए तो चौथा पॉइंट क्लियरली ये बोलता है कि कॉरपोरेट प्रॉफिट है वो तो देखो हाईएस्ट लेवल पे चल रहा है, और सेंट्रल बैंक ने अपनी तरफ से ये बोला भी है कि अभी तक हम देखें तो थोड़ा आने वाले टाइम पर ये हो सकता है, मतलब पेंडेमिक पीरियड से अगर कंपेयर करें तो थोड़ा डाउन भी है। बेशक खुश हैं कॉरपोरेट हाउस वाले, जो हाई कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है वहाँ पर अच्छी खासी इनकम है, पर वो उतनी नहीं है जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। फिर आ जाओ जो बड़ी फॉर्मल फॉर्म्स आ, अगेन वही कॉरपोरेट्स आ गए, इनका मार्केट में गेन भी अच्छा है, ठीक है, पर स्मॉलर प्लेयर फॉर एग्जाम्पल MSMEs है, वो क्राइसिस में है। अब सीधी सी बात है कि ज़्यादातर लोगों के हाथ में तो पैसा कम है और कुछ लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा है, तो कुछ लोग कितनी डिमांड कर लेंगे भाई? भाई एक एक जना मिलकर के एक एक रुपया अगर खर्च करें और 10 लाख जने खर्च करें तो भाई 10 लाख रुपए हो जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ एक फर्म जो बड़े प्रोडक्ट बनाती है, वो फर्म अपने केवल दो दो प्रोडक्ट बेच पाती है, तो दो प्रोडक्ट ही अगर बेच पा रही है और वो महंगे हैं मान लो, और 5 लाख रुपए तक का काम हुआ, तो भी तो कम ही हुआ ना, वो 5 लाख रुपए इन 10 लाख को थोड़ा ना रिप्लेस कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जो हम सिनेरियो अभी देख रहे हैं कि एक्सपेक्टेशन है कि अच्छी ग्रोथ रेट रहने वाली है, वो सारी चीज़ें, तो इस चीज़ में थोड़ा सा डाउट है। लास्ट में राइटर चौथे पॉइंट में और ऐड कर रहे हैं क्या, कि भाई अगर हम आज के टाइम पे देखें तो कॉरपोरेट स्पेस कितना एक्सपेंड हो रहा है
वो हमें पता पड़ता है कि इन्वेस्टमेंट कितना क्या रहा है। और सच बात यह है कि इन्वेस्टमेंट उतना ज़्यादा इनकरेजिंग नहीं है जितना कि पहले सोचा गया था। इसके पीछे कारण क्या है? एक तो बैंकों से लोन लेना, ठीक है। अब बैंकों से लोन लेना कब होता है? देखो, हमेशा बैंक कंपनीज की टेंडेंसी ये होती है कि या तो इक्विटी शेयर मार्केट से पैसा उठा ले या फिर बैंकों से लोन ले ले, सॉरी, या फिर डेट मार्केट से बॉन्ड्स इशू करके फिर मार्केट से उधार ले ले। जब दोनों ही ऑप्शन एक्सप्लोर नहीं होते हैं, नहीं निकलते हैं वहां से पैसे, तब बैंकों के पास चक्कर काटना शुरू करती हैं कंपनियां, ठीक है। तो बोला बैंकों से लोन लेने की लाइन लग रही है। इसके अलावा इंटरनल एक्रूवल, कंपनियों का खुद का कितना हिस्सा बच रहा है वो बहुत कम है। कारण कि छोटे छोटे शेयर होल्डर्स बहुत सारे इन्वेस्ट करके बैठे हैं, ठीक है। तो ऐसे में कंपनी ने जो भी मुनाफा कमाया वो डिविडेंड जो है वो डिवाइड करने में ही चला गया। अब बच गया कंपनी के पास में खुद में बहुत कम। तो ऐसी परिस्थितियों में कंपनियां कुछ नया इन्वेस्ट करें उसमें भी उनको हेजिटेशन आ रही है। तो कुल मिलाकर के अगर हम ग्रैन्युलर पिक्चर को अंडरस्टैंड करें तो अभी एम्प्लॉयमेंट में लगातार डेफिसिट है, एम्प्लॉयमेंट उस लेवल का नहीं जनरेट हो पा रहा है। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट के साथ में वेजेस में जो ग्रोथ रेट होनी चाहिए वो भी कम है। फिर हमने देखा कि लगातार जो लिमिटेड मोबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। लिमिटेड मोबिलिटी कैसे? कि लोग जो हैं वो लोअर इनकम कैटेगरी से अपर लेवल में जाने की कोशिश कर रहे हैं पर जा नहीं पा रहे हैं। और इसके अलावा इनइक्वालिटीज़ बढ़ती चली जा रही है। आगे कस्टमर है वो पैसिमिस्टिक है, अलर्ट होकर के, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होकर के फिर आगे बढ़ रहा है। इसलिए बिजनेस प्रॉस्पेक्ट में भी अनसर्टेनिटी आ रही है कि हाँ भाई इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें क्या शो कर रही है कि इकोनॉमी इतनी एब्यूलियंट नहीं है जितना कि हम सोच रहे हैं। ओके, तो कुल मिलाकर के कंट्री के मीडियम टर्म ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट को अगर हम इंश्योर करना चाहते हैं तो ये चार चैलेंजेज हैं। इन चारों चैलेंजेस को हैंडल करना होगा और शुरुआत होती है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, और वो भी अनस्किल्ड लो पेड सेमी स्किल्ड लेबर्स के लिए, ठीक है। ये सारी परिस्थिति आ रही है इकोनॉमी की। अच्छा आर्टिकल था, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है ऑन शेकी ग्राउंड। अभी देखो झारखंड का फ्यूचर क्या है, झारखंड गवर्नमेंट का फ्यूचर क्या है, ये अब फिर से क्वेश्चन मार्क में आ गया है। क्योंकि अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन जो हैं उनका एमएलए के तौर पे जो मेंबरशिप है वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली में उसको स्क्रैप कर दिया है। क्यों? क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ऑफ 1951 के बेसिस पे अगर देखा जाए तो उन्होंने अपनी पोजीशन का गलत यूज़ किया है। वो क्या गलत यूज़ किया है कि इन्होंने खुद के नाम पर ही माइन इशू कर दी। अब सोचो, ये माइनिंग मिनिस्टर भी थे और इन्होंने खुद के नाम पर ही माइनिंग इशू कर दी। इससे बड़ा कोई और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है क्या कि आप ही तो देने वाले हो और आप ही लेने वाले हो, फिर डेमोक्रेसी कौन सी रह गई? ये तो मोनार्की है, ऑटोक्रेसी है। तो कुल मिलाकर के ये परिस्थितियाँ यहाँ पर आई। वैसे वहाँ के गवर्नर रमेश बायस जो हैं उनके द्वारा अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं रिलीज किया गया है, ठीक है। पर बात ऐसी है कि ये जो इशू है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हैंडल किया है और सीधा वहाँ के झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन को उनकी मेंबरशिप से स्क्रैप कर दिया। अब सीधी सी बात है, एमएलए के तौर पे डिस्कार्ड अगर हो गए तो ये तो हमें भी पता है कि जब किसी को डिस्क्वालीफाई किया जाता है तो उस परिस्थिति में वो आगे अपनी मिनिस्ट्री को भी छोड़ना उसको होता है। तो झारखंड की सरकार के ऊपर क्वेश्चन उठेगी नहीं सीधे, और यही अपने आप में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मुद्दा आ रहा है। अब देखो झारखंड की अगर बात की जाए ना तो इंडिया का लगभग 40% के लगभग मिनरल रिसोर्स हमारे वहाँ पर हैं, मिनरल रिजर्व। और कोयले की बात करें तो लगभग 30% कोल डिपॉजिट वहाँ पर हैं। पर अभी तक देखा जाए ना तो लगातार 2000 में झारखंड बना था, देखो 2000 में तीन स्टेट्स बने थे, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तरांचल, जो कि आज के टाइम पे उत्तराखंड के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। तो तीनों स्टेट्स में अगर देखा जाए तो झारखंड मिनरल डिपॉजिट बहुत ज़्यादा है। आपको पता है छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला एरिया आ जाता है ये, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अभी तक 22 सालों की जर्नी में इतने तो स्कैम्स आ गए, इतनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रह गई है जिसकी हद नहीं है। 2017 में भी इसी तरीके का माइनिंग ओलिगार्की से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन आपको पता है चल भी रहा है। उसमें कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका भी फंसने का नाम आया है, ठीक है। तो सीबीआई कोर्ट ने फिर बाद में फॉर्मर झारखंड चीफ मिनिस्टर कौन, मधु कोड़ा, उनको भी फिर बाद में अल्टीमेटली कन्विक्ट किया है कि हाँ भाई आपने ये गड़बड़ियाँ की थी, इसके खिलाफ में आपको कार्रवाई होगी। अब देखो ये जो सरकारें थी, ये जो करंट सरकार है,
इस सरकार ने अपनी तरफ से बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कही थी कि हम ट्रांसपेरेंट मैनर में काम करेंगे, बदलाव यात्रा लेकर के आए, कैंपेन फॉर चेंज, बोले कि सीसीटीवी कैमराज हम इंस्टॉल कर देंगे, फ्री टोल नंबर दे देंगे माइनिंग रिलेटेड कोई भी कंप्लेन करनी हो, पर पता पड़ा कि चीफ मिनिस्टर साहब खुद गफले में आ गए। तो ये जो परिस्थिति है ना, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट शो करती है और किस तरीके से पॉलिटिकल लीडर्स को इन चीज़ों से बचना चाहिए, वो चीज़ें इग्नोर होना फिर कहीं ना कहीं हमारे लिए एक गलत चीज़ हो जाती है। ठीक है, तो जीएस पेपर 4 जो है ना आपका, उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला जो मुद्दा है या फिर आपका वो पॉलिटिकल एटीट्यूड जो होता है उसको आपको एक बार रिवाइज कर देना है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर लास्ट आर्टिकल है लाइट ऑन डार्क मैटर। देखो इस आर्टिकल को शोभित महाजन जी ने लिखा है सॉरी इनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि देखो यूनिवर्स के ओरिजिन से रिलेटेड क्यूरियोसिटी बहुत रही है। ठीक है, तो ऐसी परिस्थितियों में अभी रीसेंट अगर हम देखें तो जो नासा का टेलीस्कोप है जेम्स वेब, उसने जिस तरीके से अभी जुपिटर की इमेज रिलीज़ की है और आजकल नासा के द्वारा जो रिलीज़ की हुई है यूनिवर्स में एक तरीके की साउंड क्या चल रही है वो सारी चीज़ें, तो इसमें बोले साइंस ने बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट किया है। पहले क्या सोचते थे हम ज़्यादातर कि भाई अर्थ जो है वो सेंटर है, पहले का मतलब हो गया यहाँ हम बात कर रहे हैं मेडिवल पीरियड की। ठीक है, उसके पहले की बात छोड़ो, उसके पहले तो बहुत कुछ जानकारियाँ थी, पर मेडिवल पीरियड की बात करें जिसको यूरोप में डार्क एज के नाम से जाना जाता था, वहाँ पर आप देखो कि सेंटर ऑफ यूनिवर्स तो क्या था, अर्थ, और बोलो पूरा सन और ये सारी चीज़ें जो अर्थ के चारों तरफ रोटेट करती हैं। पर फिर भी टाइम बीतने के बाद में फिर क्लियर होता है कि जब पोलैंड के एक तरीके से पोलैंड के एस्ट्रोनॉमर जिनका नाम था कॉपरनिकस, उन्होंने अपनी बुक रिलीज़ की और बताया कि भाई अर्थ नहीं है सेंटर, सेंटर तो हमारे सोलर सिस्टम का सन है और अर्थ जो है वो तो बाकी प्लैनेट्स की तरह उसके चारों तरफ चक्कर काटती है, इस तरीके का ऑब्जर्वेशन आया। फिर केपलर ने अपनी तरफ से आइडिया दिया कि कैसे ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बेसिस पे हम बाइंडेड रहते हैं, सॉरी केपलर ने तो ये आइडिया दिया कि एलिप्टिकल पाथ के ऊपर अर्थ जो है वो रोटेट करती है, रिवॉल्व करती है सन के चारों तरफ। और फिर उस चीज़ को एक्सपेंड करते हुए न्यूटन ने ये बोल दिया कि भाई ग्रेविटी जो है वो एक दूसरे को बांध करके रखती है। तो ऐसी परिस्थितियों में जो 20th सेंचुरी में जो रिसर्च हुई थी उन रिसर्चेस को और ज़्यादा विंग्स लगा दिए अभी अभी जो जेम्स वेब टेलीस्कोप ने अपनी तरफ से जो आउटपुट दिए हैं वो। इसके अलावा एडविन हबल ने भी अपनी तरफ से एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, जो आप पढ़ते हो 11th क्लास की जो बुक है ज्योग्राफी की, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, तो उसमें वो जो फर्स्ट सेकंड चैप्टर है ना आपका ओरिजिन ऑफ अर्थ, वो ज़रूर पढ़ लेना एक बार, आज याद ही कर लेना। ठीक है, तो ऐसे में एडविन हबल ने बताया था एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी जिसको हम बिग बैंग थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं मिस्ट्रीज को सॉल्व करने के लिए टेलीस्कोप्स लॉन्च किए जाते हैं और जेम्स वेब टेलीस्कोप जो कि पिछले साल 2021 में लॉन्च हुआ था वो अपनी तरफ से काम कर ही रहा है। जेम्स वेब टेलीस्कोप में 4 कॉम्पोनेंट्स हैं, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे इंटीग्रेटेड साइंस इंस्ट्रूमेंट मॉड्यूल, और ये चारों इंस्ट्रूमेंट्स का काम क्या है, ऑप्टिकल जो डेटा जो आ रहा है वहाँ से जो कैप्चर किया जा रहा है टेलीस्कोप के द्वारा डेटा या फिर जो भी इमेज है उसको फिर भेजा जाता है अर्थ स्टेशन पे, फिर उसको डिकोड किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है ना, इसके बारे में एक बार यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ढंग से पढ़ लेना, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये थोड़ा। ठीक है, इसके ऊपर एक सनशील्ड भी लगाया हुआ है। सनशील्ड क्यों? क्योंकि सनलाइट अर्थ से कुछ रेडिएशन या फिर मून से कोई रेडिएशन निकल के आए है ना, वैसे तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हर एक सेलेस्टियल बॉडी के पास में अपना होता है। ठीक है, तो उससे प्रोटेक्शन के लिए लगा हुआ है जेम्स वेब पे। स्पेसक्राफ्ट बस भी है इसमें जो कि ऑब्जर्वेटरी को ऑपरेट करने के लिए हेल्प करता है। कुल मिलाकर के क्या है कि हम यूनिवर्स के बेसिक को जानना चाहते हैं। बिग बैंग इवेंट 13.7 बिलियन ईयर्स अगो हुआ था, उससे लेकर आज तक हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। सवाल हमारा ये रहता है कि हम जाने कि हमारा ओरिजिन क्या है। जैसे कई बार बोलते हैं ना कि एक गैलेक्सी से लाइट रिसीव हुई आज, अब सवाल क्या है कि वो गैलेक्सी है मान लो बहुत कई मतलब लाखों अरबों किलोमीटर डिस्टेंस पे है, ठीक है, अरबों खरबों किलोमीटर डिस्टेंस पे लोकेटेड है जिसको हम लाइट ईयर के हिसाब से मेजर करते हैं। तो ऐसे में उस गैलेक्सी में मान लो आज के यूं मानो कि लगभग 10 लाख साल पहले कोई इवेंट हुआ था,
10 लाख साल मान लो, या फिर 10 लाख से तो शायद मैं कम बोल रहा हूँ, यू मान लो कि अराउंड 200 मिलियन ईयर्स अगो कोई एक्टिविटी हुई थी, मान लो कोई, ठीक है, गैलेक्सी बहुत दूर है, और वहाँ से वहाँ पर इवेंट हुआ था इस टाइम पर, आज से 200 मिलियन साल पहले, जुरासिक पीरियड की बात करने लग गया हूँ मैं अभी, ठीक है, तो उस टाइम पर कोई इवेंट हुआ, और वो इवेंट हुआ तो उस इवेंट की वजह से लाइट एमिट हुई कि नहीं, पर वो लाइट पहुँचते पहुँचते हमारे तक पहुँची ना, उसको लग गए 200 मिलियन साल, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हम क्या सोचते हैं, फिर क्या दिमाग लगाते हैं कि 200 मिलियन साल पहले उस गैलेक्सी में ये हुआ होगा, क्योंकि लाइट तो हमारे पास पहुंचने में बहुत टाइम लगा देती है, ठीक है। वैसे देखा जाए तो साउंड के कंपैरिजन में तो बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, ये आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब शादियों में पटाखे फूटते हैं तो आप देखा करो कि लाइट तो अगर दूर कहीं शादी हो रही है, पटाखे फूट रहे हैं वो शादी में या कहीं पे भी, या दिवाली पे नोटिस कर लिया करो कि लाइट है वो तो जल्दी से आंखों तक पहुंच जाती है, बट साउंड फिर बाद में आ जाती है, या फिर ये जो बिजली कड़कती है, थंडर बोल्ट आप देखते हो, तो दिखने में तो कितनी जल्दी दिख जाती है, फिर आवाज़ आती है कितनी देर बाद में, ठीक है। तो वो क्या है, वेलोसिटी डिफरेंस है। तो ऐसा ही यहाँ पर आप देख सकते हो, लाइट जो है यहाँ से यहाँ तक अर्थ तक पहुँचने में इतने साल लगा देती है, तो हमें पता क्या पड़ता है कि इतने साल पहले ये परिस्थिति थी भैया, सिचुएशन ये थी गैलेक्सीज की, इस तरीके से रिसर्च होती है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में पढ़ना है, और ये जो सेकंड चैप्टर आपको मैंने बताया 11th वाली बुक का, वो जरूर पढ़ लेना है, ठीक है। डिस्कशन यहीं खत्म है, थैंक यू वेरी मच।